हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर यूनिट 22 वेल शेल पार्ट टू, है ना। वेल शेल का हम पार्ट टू पढ़ेंगे आज। कल हमने पढ़ा था वेल शेल को का पार्ट वन, कैसे कैसे यूज़ हमने पढ़ा कि ऑफ़र के लिए हम विल लगाते हैं, है ना, एंड किसी को हेल्प ऑफ़र करनी है, किसी को सजेशन देनी है तो शेल भी, हम किसी सजेशन मांग रहे हैं तो शेल भी लगाएंगे। तो उसी अकॉर्डिंग आज हम वेल शेल की एक्सरसाइज करेंगे। देखो, इसमें फिर से बता रखा है, अगर आपने कोई चीज़ पहले से डिसाइड कर रखी है तो आप गोइंग या वर्किंग कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएंगे। अगर आपने कोई चीज़ नहीं पहले से डिसाइड कर रखी है तो नॉर्मल सा विल लगेगा। सो वी डोंट यूज़ विल टू से समबडी हैज़ ऑलरेडी अरेंज्ड। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी अरेंज की हुई है, डिसाइड की हुई है, तो गोइंग टू या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा। अगर नहीं कर रखी है, नॉर्मल फ्यूचर है, तो हम विल या शेल लगाएंगे। लाइक देखो, केट इज़ doing an exam next week. Chris and Joe are talking about it. Do you think Kate will pass the exam? ये क्या है, कोई अरेंजमेंट तो नहीं ना हुआ, नॉर्मल सी बात है, तो will लग गया। She will pass easily, वो पास कर लेगी, यानी कोई डिसाइडेड नहीं है, बट दे आर जस्ट टॉकिंग इन द फ्यूचर, दैट्स वाई दे आर यूजिंग विल। She will pass doesn't mean she has decided to pass. Okay, decide नहीं कर रखा कि वो पास कर लेगी, जस्ट ये फ्यूचर की prediction है कि पेपर, वो इंटेलिजेंट है, पेपर आसान ही होगा और वो क्लियर कर लेगी। आगे देखिए, सम मोर एग्जाम्पल्स, दे हैव बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, वैन दे रिटर्न दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस, है ना। कोई बंदा कहीं से बहुत लंबे टाइम के लिए चला जाएगा तो हम क्या कहेंगे, जब वो वापस आएगा तो उसे वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। ऑब्वियस है, नथिंग इज़ डिसाइडेड। वेयर विल यू बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल तुम इस टाइम में कहाँ होगे। आई विल बी इन जापान, मैं जापान में होऊंगा, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, नथिंग इज़ डिसाइडेड, नॉर्मली प्रिडिक्शन बता रहे हैं फ्यूचर की। टॉम वॉन्ट पास द एग्ज़ाम, टॉम वॉन्ट हमने पढ़ा था, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, जब हम रिफ्यूज़ करते हैं कहते हैं टॉम बिल्कुल भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा, ही हैज़ नॉट स्टडीड हार्ड इनफ, उसने बहुत ज़्यादा तैयारी ही नहीं की है। बी पार्ट देखो, वी ऑफन यूज़ विल विद, विल हम किन के साथ और यूज़ करते हैं, प्रोबेबली, आई एम श्योर, आई थिंक, आई डोंट थिंक, आई वंडर, इन सब चीज़ों के साथ, प्रोबेबली, है ना, प्रोबेबली, आई विल प्रोबेबली बी होम लेट टू नाइट, है ना, शायद मैं घर पे लेट आऊँगा। डोंट वरी अबाउट द एग्ज़ाम, आई एम श्योर यू विल पास, है ना। अब यहाँ पे भी क्या है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, जस्ट आप श्योरिटी दे रहे हो। डू यू थिंक सारा विल लाइक द प्रेजेंट वी बॉट, क्या आपको पता है, लगता है कि सारा को ये प्रेजेंट पसंद आएगा जो हमने उसके लिए खरीदा है। आई डोंट थिंक द एग्ज़ाम विल बी वेरी डिफिकल्ट, मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होगा। आई वंडर व्हाट विल हैपन, मैं हैरान हूँ कि क्या होगा, है ना। ऑल दीज सेंटेंसेज आर, नथिंग इज़ डिसाइडेड अर्लियर, पहले से कुछ डिसाइड नहीं है इन सारे सेंटेंसेज में, सो विल यूज़ विल। आफ्टर आई होप, हम आई होप है जैसे, इसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ कर लेते हैं और विल भी यूज़ कर लेते हैं, बोथ आर राइट। तो आप विल यूज़ करके चलिए तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। आई होप केट पासेज द एग्ज़ाम, या फिर आई होप केट विल पास द एग्ज़ाम, बोथ आर राइट। यानी जैसे आई होप है, आई थिंक है, इसके बाद आप क्या कहते हैं, आप लगा सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई होप केट पासेज द एग्ज़ाम, आई होप इट डजेंट रेन टुमारो, है ना। ये असल में है तो प्रेजेंट सिंपल, लेकिन सेंस किसकी दे रहा है, फ्यूचर की। सो सी पार्ट देखिए, जनरली वी यूज़ विल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, बट समटाइम वी यूज़ विल टू टॉक अबाउट नाउ। विल हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार विल हम थोड़ा सा नियर फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि डोंट फोन एन नाउ, फ़ोन को अभी कॉल मत करो क्योंकि शेल बी बिजी, वो बिजी होगी, है ना, वो बिजी होगी। प्रेजेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर, है ना, मतलब उसे अभी कॉल मत करो, वो बिजी होगी, वो काम कर रही होगी, तो हम वहाँ पे भी विल लगाते हैं। डी पार्ट देखो, आई शेल, वी शेल, नॉर्मली वी यूज़ शेल ओनली विद आई एंड वी, ये आपको पता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, आई शेल, वी शेल, है ना। तो आई शेल और आई विल, वी शेल और वे विल, है ना। आई शेल बी लेट दिस इवनिंग, आज मैं लेट हो जाऊँगी। वी शेल प्रोबेबली गो टू फ्रांस इन जून, हम शायद जून में फ्रांस जाएंगे। अब शायद है तो ऑब्वियस है, कुछ भी प्लान नहीं है, तो हम क्या विल या शेल में से जो भी, मतलब हमें पता है आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, तो हम शेल लगाएंगे। इन स्पोकन इंग्लिश वी नॉर्मली यूज़ आई विल, शॉर्ट फॉर्म हो गई, विल प्रोबेबली गो टू फ्रांस। नेगेटिव क्या बन जाएगा, शांट, आई शांट बी देयर हेयर टुमोरो, या वॉन्ट आ जाएगा। डो नॉट यूज़ शेल विद ही, शी, इट, यू, दे, उनके साथ नहीं लगेगा शेल। शेल किसके साथ लगता है, आई एंड वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ। सो जो आपका सेकेंड पार्ट था विल शेल का, वो ये है, जिसमें कि हमने मेन बात यही पढ़ी है कि जो विल शेल है वो जो फ्यूचर के लिए नॉर्मल के लिए यूज़ होता है, जिसमें नथिंग इज़ डिसाइडेड अर्लियर,
अगर कुछ डिसाइडेड है पहले से तो हम क्या लगाते हैं, गोइंग टू, या फिर सीधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि हमें सेंस देता है फ्यूचर की. लेकिन अगर नॉर्मल सी कंडीशन है कि हम नॉर्मल प्रडिक्शन की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो हम विल शैल यूज़ करते हैं. फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं. ऑल दिस वी हैव डन इन दिस एक्सरसाइज, यूनिट 22 वी हैव कम्प्लीटेड. थैंक यू स्टूडेंट्स.